नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय टॉपिक निर्वाचन आयोग पर जो है चर्चा करेंगे। हमारे देश में राज्य का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो या इसी तरीके से देश में लोकसभा या राज्य विधानसभा का चुनाव हो, हमेशा ही कोई ना कोई चुनाव संपन्न होते ही रहते हैं। अर्थात चुनाव का जो है बहुत ही महत्व है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव के माध्यम से ही जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती है और अपने जनादेश के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है। तो इस तरीके से आज के इस टॉपिक में हम जो है निर्वाचन आयोग के बारे में जो है चर्चा करेंगे। एक्चुअली भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में भारत में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भाग 15 के अंतर्गत आर्टिकल की अगर बात की जाए तो यह 324 से लेकर के 329 के बीच में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। बेसिकली अनुच्छेद 324 में जो है ये कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जो एक या अधिक निर्वाचन आयुक्त से मिलकर के बनेगा और समय समय पर इसकी संख्या जो भी घटती बढ़ती रही है। प्रारंभ में यहाँ पर एक निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे और बाद में 1989 ईस्वी में निर्वाचन आयुक्त की संख्या बढ़ा दी गई। 1989 ईस्वी में निर्वाचन आयुक्त की संख्या जो है इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। 90 में जो है इसे पुनः 1 कर दिया गया और आकर के 1993 से जो है इसे पुनः 3 सदस्यीय बना दिया गया, जो कि वर्तमान समय में भी जो है इस समय चल रहा है। तो यहाँ की संरचना जो है वो बेसिकली बहुसदस्यीय जो है निर्वाचन आयोग के आधार पर यह निर्वाचन आयोग काम करता है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये इसके संदर्भ में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अखिल भारतीय स्वरूप के आधार पर काम करता है। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावों का जो है कार्य प्रणाली इसके स्तर पर जो देखा जाता है और इसके जो है चुनावों को जो संपन्न करने की जिम्मेदारी और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के ऊपर होती है। तो इस तरीके से ये जो है अखिल भारतीयता के आधार पर जो काम करता है। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि राज्यों में जो पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायत एवं नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, उनके लिए जो है प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 243 के अंतर्गत जो है ये व्यवस्था की गई है और इसके अंतर्गत राज्यों में पंचायत एवं नगरीय निकायों के जो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से संपन्न होते हैं वह चुनाव इसके माध्यम से, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग या अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है उसके माध्यम से संपन्न नहीं होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पंचायतों से पृथक जो भी चुनाव व्यवस्थाएं हैं वो संवैधानिक स्तर पर निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो संपन्न होते हैं। एक इसमें जो नियुक्ति होती है निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के जो है माध्यम से संपन्न होती है। राष्ट्रपति के द्वारा इनके निर्वाचन आयोग, इनके जो है सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होती है। इनका कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष की आयु या जो 6 वर्ष इनमें से जो पहले होगा तक इनका जो है कार्यकाल बना होता है। इनका जो है कार्यकाल जो है इन दोनों के आधार पर निर्धारित होता है कि 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष इनमें से जो भी पहले होगा वहां तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। इसके पूर्व में ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को जो है सौंप सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है और जो नियुक्ति करता उसे ही त्याग पत्र दिया जा सकता है। इनके संदर्भ में ये बातें हैं कि इनको हटाने की जो व्यवस्था है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो हटाने की व्यवस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान बनाई गई व्यवस्था के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की व्यवस्थाएं समान है और इन्हें हटाने के पूर्व में जो है दोनों सदनों से जो है संकल्प पारित होना चाहिए और तत्पश्चात जो है राष्ट्रपति जो है अपने हस्ताक्षर से इन्हें सेवा से जो है मुक्त कर देते हैं या इनका पद जो है समाप्त हो जाता है। और अन्य निर्वाचन आयुक्त
इसमें वन प्लस टू का जो कॉन्सेप्ट है इसमें एक के लिए तो ये व्यवस्था होगी और दो के संदर्भ में भी ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं बने होते, बल्कि ये जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। इसलिए इनका पद जैसे राज्यपाल का होता है या महान्यायवादी का होता है उस तरीके से ना होकर के ये जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर ही जो है इन्हें जो है हटाया जा सकता है। एक जो सबसे विशिष्ट बात है, एक जो सबसे विशिष्ट बात जो है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में है, जिसे ध्यान में रखना भी आवश्यक है, जो परीक्षा के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यहां पर शक्तियों के संदर्भ में और वेतन के संदर्भ में निर्वाचन आयुक्त तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां जो है बराबर है, इन्हें भी वेतन भत्ते लाभ वही मिलते हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलते हैं। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलते हैं वही अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी मिलते हैं और शक्तियां भी समान हैं। केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को विशिष्ट इस मामले में रखा गया है कि वो जो है अध्यक्षता जो है उनके द्वारा जो है किया जाता है और ये जो आयोग है वो बहुमत के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि जब जो है किसी भी विषय पर कोई भी निर्णय लेना होता है तो बहुमत के आधार पर उस पर निर्णय लिया जाता है, क्योंकि तीन होने के कारण से उसमें जिस भी पक्ष में दो लोगों का जो समर्थन होता है वही पास किया जाता है। तो ये व्यवस्था जो है होती है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में। और ये निर्वाचन आयोग के संदर्भ में एक और बात यह है कि इनमें व्यवस्था जो की गई है अनुच्छेद 325 और 326 के अंतर्गत वो ये व्यवस्था की गई है कि समानता के सिद्धांत का, इसमें किसी भी व्यक्ति को जो है वंचित नहीं किया जाएगा, किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, मूल वर्ग जाति धर्म लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी को वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। और 26 में जो वयस्कता के जो है आधार पर वोट देने की बात की गई है कि भारत में जो प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जो है चुनाव में मत देने का अधिकार है अनुच्छेद 326। तो यहाँ पर तीन आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट, 324 जिसमें कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, अगला 325 326, इस तीनों अनुच्छेद को ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये व्यवस्था रही जो निर्वाचन आयोग की संरचना, उनके जो है नियुक्ति, उनके कार्यकाल, उनको हटाने की जो है व्यवस्था और किस आधार पर अखिल भारतीय आधार पर ये काम करते हैं वयस्कता के सिद्धांत पर। अभी तो आयु जो 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से, पूर्व में ये जो है 21 वर्ष था, लेकिन अब जो है 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का आधार है, यही वयस्कता के जो सिद्धांत कहलाते हैं, जिसका कि उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत किया गया है। तो जब हम निर्वाचन आयोग को पढ़ते हैं तो दो तरीके की व्यवस्था है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि निर्वाचन आयोग के प्रावधान वो किस भाग और अनुच्छेद में है, उसमें कितने सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनको हटाने की व्यवस्था क्या है, ये एक्चुअली जो प्रावधान है वो प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हम जो पढ़ने जो जा रहे हैं वो निर्वाचन आयोग के कार्यों शक्तियां, जो कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा में यहाँ से टिप्पणी भी जो पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक समान रूप से पूरी सिविल सर्विसेज के प्रत्येक चरण के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बेसिकली जो निर्वाचन आयोग है वो तीन तरीके के जो है भूमिकाएं जो है अदा करता है। एक तो प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक कार्य है, और दूसरा जो है अर्ध न्यायिक कार्य है, अर्ध न्यायिक जो है कार्य है, और तीसरे में जो है हम अन्य कार्यों को रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है तीन प्रकार के कार्य जो है किए जाते हैं। प्रशासनिक कार्य का तात्पर्य यह है कि जो सामान्य रूप से निर्वाचन आयोग अपने कार्य व्यवहार में जो है दायित्वों का निर्वहन करता है वो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका चुनाव को जो संपन्न करवाना है। आर्टिकल 2300 जो है 24 के अंतर्गत जो है निर्वाचन के संदर्भ में समस्त शक्तियां निर्वाचन आयोग के पास हैं, इसमें किसी भी स्तर पर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो चुनाव से संबंधित कार्य हैं वो राष्ट्रपति के अधिसूचना के साथ ही
राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया संपन्न मानी जाती है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि चुनाव कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है, तो अधिसूचना जारी होने के साथ। तो अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग नहीं जारी करता, ये एकदम क्लियर होना चाहिए क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं, उसमें सरकार भी होता है, निर्वाचन आयोग भी होते हैं और इसी तरीके से राष्ट्रपति भी होता। तो राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी किया जाता है और वहीं से अधिसूचना जारी होने के बाद से ही जो है चुनाव प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद जो है निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो है उसके चरणों की जो घोषणा की जाती है, जो विभिन्न प्रकार के तिथियों में जो है संपन्न होते हैं, क्योंकि पूरे देश में एक साथ चुनाव नहीं संपन्न किए जा सकते हैं, और चाहे वो संसाधन को लेकर के हो और चाहे वो जो है वहाँ की फोर्स की व्यवस्था हो, तो इन सभी आधारों पर जो पूरे देश में एक साथ चुनाव को संपन्न नहीं किया जाता है बल्कि उसे चरणबद्ध तरीके से किया जाता है और उन चरणों को जो है अलग अलग तिथियों में संपन्न किया जाता है, जिसकी घोषणा जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसे ही जो है निर्वाचन का दूसरा चरण भी जो है माना जाता है। तो इस तरीके से निर्वाचन संबंधी जो कार्य जो है इनका जो है प्रमुख कार्य होता है। दूसरा कार्य जो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, डिलिमिटेशन ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो परिसीमन जो है परिसीमन का कार्य जो है इनके माध्यम से किया जाता है और इसके संदर्भ में 1952 ईस्वी में परिसीमन आयोग अधिनियम जो बनाया गया था, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है 15 सदस्य होते हैं तथा जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश भी इसमें होते हैं। इनके माध्यम से एक व्यवस्था बनती है जिसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण किया जाता है और यहीं पर यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जबकि जनसंख्या की गणना होती है उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों का जो है परिसीमन किया जाता है। ऐसी व्यवस्था जो बनाई गई है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जब जनगणना होगी तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का कार्य जो है किया जाएगा। तो इस तरीके से निर्वाचन कार्य के साथ साथ परिसीमन कार्य भी इनके द्वारा जो है किया जाता है। सूची बनाना, सूची का मतलब यह है मतदाताओं की सूची जिनके द्वारा जो मताधिकार का प्रयोग किया जाता है, ये समय समय पर अद्यतन की जाती है, अपडेट की जाती है, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो है ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है, क्योंकि उसके पूर्व में पिछले चुनाव में वो 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं तो उनको जो इसमें शामिल करना होता है। कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें उस सूची से बाहर निकालना होता है, यानी कि सूचियों को अद्यतन करना, अपडेटेड करना, कि उसमें अनावश्यक लोगों का नाम ना रह जाए और जो आवश्यक लोग हैं या जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है उन्हें इस सूची में शामिल किया जाए। तो समय समय पर इन सूचियों का अद्यतन करने का काम भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और जो मान्यता राजनीतिक दलों को जो है इनके माध्यम से जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जो है राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता दिया जाता है, उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं। राज्य स्तर के दल, प्रांतीय दल या राष्ट्रीय दल, इस तरीके के क्राइटेरिया राष्ट्रीय दलों को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं वो पूरे देश में एक होता है, जबकि राज्य स्तर के जो है मान्यता प्राप्त दलों के लिए जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो उसी राज्य तक जो है सीमित होते हैं। तो ये कार्य भी जो है निर्वाचन आयोग के जो माध्यम से किया जाता है, ये इसका जो है मुख्य कार्य है, यानी कि प्रथम चुनाव संपन्न करना, द्वितीय जो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का कार्य करना और तीसरा निर्वाचन के लिए मतदाता सूची को अद्यतन करना या बनाना और चौथा है राजनीतिक दलों को मान्यता जो है देना। ये इसके जो है मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है वो अर्धन्यायिक कार्य है। ये अर्धन्यायिक का आर्टिकल जो 102 में लाभ के पद का वर्णन किया गया है उसी के संदर्भ में यह व्यवस्था की गई है, यदि किसी भी सदस्य के लाभ के पद के संदर्भ में उसकी अर्हता या निरहर्ता यानी क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन के संदर्भ में कोई सवाल उत्पन्न होता है तो उन सवालों का निस्तारण जो है वो अगर लोकसभा है या राज्यसभा है तो वहाँ राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के माध्यम से आर्टिकल इसमें 103 के अंतर्गत और इसी तरीके से राज्यों की व्यवस्था है तो वहाँ पर आर्टिकल 192 के अंतर्गत जो है राज्यपाल से परामर्श करके जो है ये निर्धारित करता है कि वह व्यक्ति योग्य है या नहीं। तो यह मुख्य कार्य जो है अर्धन्यायिक श्रेणी का है और इसे यहाँ पर निर्वाचन आयोग के कार्यों में जो है एक प्रकार बना दिया गया है। तो यह व्यवस्था जो है अर्धन्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। अन्य कार्य के संदर्भ में जो है ये बातें हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो है आचार संहिता,
आचार संहिता ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है निर्वाचन के समय, जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा समय समय पर इनमें संशोधन किया जाता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है, समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता है। इसका उद्देश्य जो बेसिकली है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाना और सभी जो है उम्मीदवारों के लिए एक समान अवसर प्रदान करना, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है मनी मसल्स एंड माफिया का जो है प्रयोग, धन बल और बाहुबल का प्रयोग जो है चुनाव में ना कर सके और जनता बिना किसी जो है भय के अपने पसंद के जो है उम्मीदवार के पक्ष में मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो इसलिए जो है इसमें आचार संहिता की जो है व्यवस्था समय समय पर की जाती है और इनके द्वारा जो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जो है राजनीतिक दलों के जो टीवी रेडियो इत्यादि के कार्यक्रम भी निर्धारित किए जाते हैं। इनके कर्मचारी अलग अलग चुनाव के समय जो है ऑब्जर्वर के रूप में भी काम करते हैं, जिनके द्वारा निर्वाचन आयोग को सूचनाएं दी जाती हैं, किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध जो है कोई ना कोई कार्रवाई भी करने की बात आती है तो उस पर इनके द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है। और निर्वाचन के संदर्भ में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति को इनके द्वारा जो है सलाह भी दिया जाता है। कहने का तात्पर्य अगर निष्कर्ष के रूप में निकालने का प्रयास किया जाए तो निर्वाचन आयोग एक ऐसी बॉडी है जो कि सलाहकारी रूप में, प्रशासनिक रूप में, अधिनियायिक रूप में जो है काम करती है और इसके माध्यम से देश में शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के दायित्व का निर्वहन करती है। देश में अगर शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव संपन्न होता है तो ये माना जाता है कि ये निर्वाचन आयोग का जो है एक पुरस्कार है, किंतु अगर किसी भी तरीके से कोई भी जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं जो है निर्वाचन आयोग के ऊपर एक धब्बा माना जाता है। पिछले कई जो चुनाव में जो ईवीएम मशीन को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे, यद्यपि अभी तक इस आधार पर कोई बातें सिद्ध नहीं हो पाई हैं, परंतु इस पर अभी भी जो है लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, जाँच का विषय है। और ये इस तरीके की कोई भी बात जो सत्य होने की संभावना भी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसी जो है प्रणाली और प्रक्रिया है लोकतंत्र के अंतर्गत, जिसके माध्यम से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित किया जाना जो संभव हो पाता है। तो इसलिए जो देश में जो चुनाव की व्यवस्था है और चुनाव की गतिविधि जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र होना जो है आवश्यक है। अभी इसके साथ में हम थोड़ा सा हायरार्की देखने का प्रयास करेंगे। सबसे ऊपर जो व्यवस्था है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है और इसके नीचे जो है निर्वाचन आयुक्त हैं, इसके नीचे जो है निर्वाचन आयुक्त हैं, पुनः जो है प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। यहां पर जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है क्षेत्रीय आधार पर जो है निर्वाचन आयुक्त के भी पद का जो है व्यवस्था किया गया है। यद्यपि यह जो है निर्वाचन आयोग की सहायता और सलाह देने के लिए जो है इस तरीके के पदों का सृजन किया गया जो क्षेत्रीय आधार पर काम करते हैं। इसी आधार पर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक पद यहां पर बनाया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है राज्य में जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार के जो है परामर्श पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त से अलग पद होता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो पंचायत एवं स्थानीय निकायों के जो है चुनाव को संपन्न करवाते हैं, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं वो निर्वाचन आयोग की जो है एक भाग के रूप में काम करते हैं और ये राज्य में राज्य सरकार की जो है सलाह के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है और ये समान रूप से राज्य में जो संपन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के जो चुनावों में जो है एक मुख्य अधिकारी के रूप में जो है काम करते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी में अंतर होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के अंतर्गत बनाई गई व्यवस्था के रूप में जो है काम करते हैं। इसके साथ में जो है जिला निर्वाचन अधिकारी ये प्रत्येक राज्य के अंतर्गत जो है ये जिले में होते हैं और जिला अधिकारी ही जो है
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी ही जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। और इसी तरीके से प्रत्येक तहसील में कार्यरत जो है वो उप जिला अधिकारी वो उप निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं, यद्यपि कुछ पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी जो होते हैं जो उप निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो है वो डीएम और एसडीएम काम करते हैं। इसी तरीके से जो है प्रत्येक जो है बूथ के लिए जो है पीठासीन अधिकारी जो बनाए जाते हैं जो चुनाव के दौरान जो है एक टीम के साथ जो है काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसकी जो ऊपर से नीचे की जो है एक हायरार्की बनती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर देख लेना आवश्यक है जो कि चुनाव के जो है संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रगति और क्रांति के रूप में जो है जानी जाती है, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं इसलिए इसे हम तथ्यात्मक रूप से कवर करने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम ये जो है व्यवस्था चुनाव को जो है बहुत ही आसान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है माना जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके द्वारा पूर्व में परंपरागत रूप में बॉक्स का जो प्रयोग करने के स्थान पर ईवीएम को प्रयोग में लाया गया 1982 ईस्वी में जो केरल के विधानसभा चुनाव में इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया और 2004 के जो है आम चुनाव में इसे जो है व्यापक स्तर पर सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी तरीके से वीवीपीएटी यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल ये व्यवस्था जो है चुनाव के दौरान किसी भी मतदाता के द्वारा किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में किए गए मतदान को सत्यापित करने की एक व्यवस्था है जो कि एक बॉक्स के रूप में होता है और जहां पर वोटिंग करने के बाद जो है उस कैंडिडेट का जो है नाम और उस कैंडिडेट के फोटो क्रमांक इत्यादि जो है वहां पर वेरीफाई किए जाते हैं और यह व्यवस्था केवल और केवल मतदाता के द्वारा ही देखा जा सकता है। ऐसी व्यवस्था इसलिए किया जाता है ताकि कि जो चुनाव में जो है गोपनीयता के जो सिद्धांत को जो बनाए रखा जा सके और वह पर्ची जो है पुनः उसी बॉक्स में गिर जाती है जो कि उम्मीदवार की होती है और ये मतदाता के द्वारा अपने साथ नहीं लिया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से जो है गोपनीयता भंग हो सकती है। तो इस तरीके से वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है इसका नाम है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिसे 2014 में इसे जो है प्रयोग किया गया और 2019 के चुनाव में इसे जो व्यापक स्तर पर जो है प्रयोग पहली बार भी जो है किया गया है। तो इस तरीके से ईवीएम और वीवीपीएटी जो है ये चुनाव के संदर्भ में एक क्रांतिकारी प्रगति है जो कहीं ना कहीं चुनाव को आसान कर रहे हैं और चुनाव में जो है उसकी गुणवत्ता को जो है या चुनाव में जो है उसके सत्यापन को जो सुनिश्चित करने के लिए जो लाया गया है और जो स्याही जो चुनाव के दौरान में प्रयोग की जाती है वो जो है सिल्वर नाइट्रेट इसमें जो है स्याही के रूप में जो है प्रयोग में जो लाई जाती है। सिल्वर नाइट्रेट का जो प्रयोग चुनाव के दौरान जो है स्याही के रूप में प्रयोग किया जाता है इसे जो है AgNO3 के नाम से भी केमिकल नेम जो है इसका AgNO3 है जो कि अगर शरीर पर लग जाती है तो शरीर के त्वचा से वो रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है जो कि जल में आविलय होता है। तो इस तरीके से जो है एक तथ्यात्मक जानकारी भी हमने इसी के माध्यम से देने का प्रयास किया। पिछले कई चुनाव में जो ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और लोगों के द्वारा इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसको हैक करके किसी भी तरीके से सिस्टम में गड़बड़ी करके किसी मनचाहे उम्मीदवार को जिताने की भी प्रक्रिया की जा रही है और इस पर लगातार भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी भी ये शोध का विषय है लेकिन इतना कहना आवश्यक है कि इस तरीके की अगर गड़बड़ियां की जा रही तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के गला को घोटने के समान होगा और ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को इस दिशा में जो है एक आवश्यक कदम उठाना चाहिए ताकि स्वतंत्र शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव को संपन्न कराया जाना संभव हो सके। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक इस टॉपिक के साथ अपनी पूरी तैयारी को जो है जोश जुनून और जज्बा के साथ जो है आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार।